हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें 2018 का ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 2018 के क्वेश्चन पेपर का हमने अपलोड कर चुका है, और उससे भी पहले हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है जो कि महाराष्ट्र सीईटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए आप उन वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका एक बार कॉन्सेप्ट या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रीसिंग हो जाएगी आपको, है ना, क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या पूछता है आपसे और कैसे तैयारी करना है। क्वेश्चन हमको क्या गिवेन है, देखिएगा कि इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ए बी सी क्या है हमारा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो गिवेन क्या है हमको, गिवेन है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, परपेंडिकुलर है वेक्टर सी। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, मैग्नीट्यूड्स क्या दिया है 1, बी वेक्टर का 2 एंड सी वेक्टर का 3, ये मैग्नीट्यूड्स गिवन है। देन हमको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए और सी, स्केलर 3 प्रोडक्ट दिए हुए हमको। तो देखिए, अगर हमको नॉर्मली सिंपल अगर ऐसे दिया रहता है वेक्टर ए बी और सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो उसी पैटर्न में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी की जगह क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी, यही है। देन इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी माइनस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1, तो ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, 1 by 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा। देन इसको करेंगे सी को, तो सी प्लस का सी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सी डॉट बी क्रॉस सी माइनस सी डॉट ए क्रॉस सी, माइनस सी डॉट ए क्रॉस सी हो जाएगा। देन इसमें हमको पता है कि जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है वो टर्न। तो देखिए इसमें दो वेक्टर सेम वाले कौन कौन से, तो देखिए इस पे ए ए सेम है, यहाँ पे बी और बी सेम है, यहाँ पे सी और सी सेम है, यहाँ पे भी सी सी सेम है, तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। ये टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो हो जाएंगे, ये टर्म हमारे हो जाएंगे जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास ओनली एंड ओनली ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी, ये बचा। अगर हम इसके इसके जो एलिमेंट है उसको ए बी सी के फॉर्मेट में लिख दें तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 times ऑफ ए बी सी, लिख सकते हैं 2 times ऑफ ए बी सी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 times ऑफ ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो 2 times ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने 2 times ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी लिख दिए, राइट। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 times ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए बी क्रॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन थीटा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर एन कैफ, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 times ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ बी 2 है और मॉड ऑफ सी क्या है 2 into 3 साइन थीटा, थीटा क्या है परपेंडिकुलर है तो 90 degree, तो साइन 90 into एन कैफ हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 ए साइन 90 की वैल्यू होगी 1 एन कैप हो जाएगा, तो ये हो गया 12 ए इंटू एन कैप, 12 ए इंटू एन कैप। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एन कैप कॉस 0, ठीक है हो जाएगा 12 इंटू 1 इंटू 1 और कॉस 0 भी 1 होता है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 12। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि इफ पॉइंट्स 4, 5, x और 3, y, 4 एंड r 5, 8, 0 आर कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होगी, तो PQR कोलिनियर है अगर, तो PQ वेक्टर PQ इक्वल टू, ये हम लोग स्केलर कांस्टेंट एक ले लेते हैं m, जो कि क्या किसके बराबर होगा, QR के, वेक्टर QR के बराबर होगा। तो PQ हम मतलब क्या करेंगे, तो Q माइनस P करेंगे, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आई कैप प्लस y माइनस 5 j कैप प्लस 4 माइनस x k कैप हो जाएगा, इक्वल टू किसके होगा, m टाइम्स ऑफ QR। तो QR मींस r माइनस 5 माइनस 3 2i 8 माइनस y प्लस 8 माइनस y j कैप 0 माइनस 4 माइनस 4 k कैप के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस वाई माइनस 5 जे प्लस 4 माइनस एक्स के कैप इक्वल टू 2 एम आई प्लस 8 माइनस वाई इंटू एम जे कैप माइनस 4 एम के कैप होगा। मैंने एम को अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसके बाद हम लोग अगर कंपेयर कर ले आई को आई से क्या हो जाएगा, तो माइनस आई इक्वल टू बोल सकते हैं हम लोग 2 एम आई, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आई का कोफिशियंट क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या आ गई, एक माइनस 1 अपॉन 2 आ गई। हमें यहां से देखिए वाई माइनस 5 अगर हम लोग जे वाले टर्म को कंपेयर कर दें, जे वाले टर्म को कंपेयर कर दें, तो क्या होगा, y माइनस 5 जे कैप इक्वल टू 8 माइनस वाई इंटू एम जे कैप होगा। तो यहां से अगर मैं जे कैप कैंसिल आउट हो जाए, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 5 अपॉन 8 माइनस वाई। तो यहां से अगर मैं m की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 8 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 1 से, तो माइनस 8 प्लस वाई इक्वल टू 2 वाई प्लस माइनस का 10, ये वाला वाई राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 ये प्लस 10 इक्वल टू 2 वाई माइनस वाई, ठीक क्या हो गया, 2 इक्वल टू वाई, मींस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। देन यहां से हम लोग ये तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, क्या है, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4 एम, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ एम की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 1 बाई 2, यहां से माइनस 1 बाई 2, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 2, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, एक्स इक्वल टू 2। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू भी है 2, x की x प्लस y इक्वल टू व्हाट, तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा डी नंबर 4, काफी इजी क्वेश्चन था। राइट, इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें कि इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, ये क्या ज्वाइंट इक्वेशन दी हुई है, ax square plus 2hxy plus by square is 2 times other than, means अगर हम इस condition की बात करें तो क्या दिया हुआ है हमको, m और 2m, मतलब पहले का slope अगर m है तो दूसरे का slope 2 times है, ये हमको पहली condition given है। और हमें किस type की equation है, joint equation given है, तो उसमें क्या होता है, हमें पता है कि अगर पहले line जो है हमें given line जो 1 है उसका slope अगर m1 है और दूसरी line का slope m2 है, तो क्या होता है, हमें पता है
कि स्लोप का जो सम होता है वो क्या होता है, माइनस टू एच बाई बी के बराबर होता है, और स्लोप का जो प्रोडक्ट है एम वन इंटू एम टू वो किसके बराबर होता है, ए बाई बी के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो जो हमें कंडीशन दी है, एम वन क्या है हमारा एम, और ये क्या है टू एम इक्वल टू क्या है माइनस टू एच बाई बी, तो थ्री एम इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का टू एच बाई बी क्या हो जाएगी माइनस टू बाई थ्री एच अपॉन बी। दूसरी कंडीशन क्या गिवेन है हमको, एम वन इंटू एम टू, एम वन इंटू एम टू इक्वल टू क्या गिवेन है ए बाई बी, एम वन इंटू एम टू इक्वल टू ए बाई बी गिवेन है, तो एम इंटू टू एम इक्वल टू ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा टू एम स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी, तो यहां से क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर ए बाई टू बी, राइट। और यहां से हम एम की वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दें, एम की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, क्या दिया है माइनस टू एच अपॉन थ्री बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू बी, तो क्या हो जाएगा ये फोर एच स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन टू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एट एच स्क्वायर बी इक्वल टू नाइन ए बी नाइन 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 ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए एक बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एट एच स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए बी, ये हमारा देखिए पहला ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट एच स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए बी। हमने क्या किया, पहले दोनों का स्लोप का सम निकाला, एम वन प्लस एम टू इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी, देन एम वन इंटू एम टू इक्वल टू ए बाई बी निकाला, देन यहाँ पे हमें गिवेन कंडीशन क्या थी, एम वन जो है वो टू टाइम्स ऑफ एम के बराबर है, देन उसको हम लोगों ने पुट कर दिया एम वन प्लस एम टू की जगह, फिर m1 into m2 की जगह पुट कर दिया, यहाँ से जो m की वैल्यू आई थी उसको हम लोगों ने m1 into m2 वाले टर्म में यहाँ पे पुट आउट कर दिया, और जो भी आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर था, राइट। आपको हो सकता है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया था, काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, जिसको बोलते हैं हलुआ। कैसे, देखिए cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री सबका मल्टीप्लाई है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे सिंपली क्या करना था, केवल अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो देखिए cos 1 से cos 179 के बीच में हमारा cos 90 आएगा, राइट। अगर cos 90 आएगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब किसी भी नंबर से जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, कुछ भी हो जीरो ही हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर था ए ऑप्शन इसका सही आंसर था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ प्लेन एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, दूसरा प्लेन क्या है सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो, ये क्या है ए जेड इक्वल टू जीरो, तीसरा क्या है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, तो देन पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो इसको देखिए सिंपली जो गिवेन दिया है प्लेन की इक्वेशन वो लिखना था, प्लेन की इक्वेशन जो गिवेन है तो क्या गिवेन है एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, पहला सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इक्वल टू जीरो, और बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये तीन इक्वेशन दी हुई है, और इसे सिंपली डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना था इक्वल टू जीरो। तो क्या है इसका कोफिशियंट क्या है वन, इसका माइनस सी, इसका माइनस बी, सी माइनस वन ए बी ए माइनस वन, ये इसके कोफिशियंट है बी ए माइनस वन। अब इसको हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वन लिए, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वन इंटू माइनस वन, वन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस का सी है तो माइनस ऑफ माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा, देन सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी माइनस ए बी, माइनस सी माइनस का ए बी प्लस ये वाला माइनस बी, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस बी, और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो गायब हो जाएगा तो ए इंटू सी माइनस प्लस बी, ए इंटू सी प्लस
बी हो जाएगा माइनस वन इंटू बी माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी हो गया राइट, इक्वल टू क्या है उसके जीरो है, तो देन ये क्या हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस का सी इंटू माइनस का सी, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ये वाला माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया सबको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर की ओर, देन इसके बाद क्या होगा देखिए ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाइए किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर पूछा था हमसे, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाइए तो क्या बचेगा इधर वन माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी वन माइनस टू ए बी सी इक्वल टू ये वाला राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस टू ए बी सी राइट, तो इसका सही आंसर क्या होगा वन माइनस टू ए बी सी, सी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट हमसे पूछा गया है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है ठीक है, अगर हम लोग पार्शली एक बार x के रिस्पेक्ट में करते और दूसरे बार y के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते तो उससे जो भी वैल्यू आएगी वो x और y की एक वैल्यू आएगी, उससे हमको एक इक्वेशन पॉइंट्स मिल जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना ये वाला कौन सा a b c लिखते थे, देन उसके बाद यहाँ क्या लिखते थे f f f यहाँ पे g g और ये h h लिखते थे, देखिए जो बेस में रहेगा वो तो क्या रहता है ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये तो फिक्स है दोनों के बेस में ए बी माइनस एच स्क्वायर, तो केवल अंतर क्या रहेगा तो पहले वाले में देखिए ये रहेगा क्या रहेगा पहले वाले में एच एफ माइनस बी जी क्या होगा एच एफ माइनस बी जी, दूसरे वाले में क्या होगा दूसरे वाले में क्या होगा जी एच माइनस ए एफ, दूसरे वाले में क्या होगा जी एच माइनस ए एफ, तो यहां से दो पॉइंट निकल जाएंगे, और वो चलिए बता ही देते हैं ये अगर हम लोग एच एफ एच इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अगर इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है, तो वहां से हम लोगों को ये एच एफ और सी वगैरह की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें ठीक है, इसको आप लोग निकालिएगा और बताइएगा आ रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको इक्वेशन हमारी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो है ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स वाई का क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन ये जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन बाई टू, देखिए यहां से ही क्लियर हो जाता है ये वाला ऑप्शन, बट देख लेते हैं वाई का अगर फिर इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा माइनस टू वाई प्लस जीरो प्लस थ्री माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, तो माइनस टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का थ्री प्लस थ्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो माइनस टू वाई इक्वल ये माइनस से माइनस कैंसिल आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री बाई टू, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आप यहाँ से भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो ज्वाइंट इक्वेशन है उससे कंपेयर कर दीजिएगा और वहां से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट आउट कर दीजिएगा बस ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे उससे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं।